नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर में आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए हम बता देते हैं कि आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो उनके लिए लेके आए हैं जो कि लर्निंग लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाए उसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। हमारे बहुत से एमपी ऑनलाइन और सीएससी मित्र हैं जो कि समस्त प्रकार के काम करते हैं लेकिन वो लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाते हैं। तो हम अपने समस्त एमपी ऑनलाइन सीएससी मित्रों के लिए लेके आए हैं ये वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे कि लाइसेंस की क्या प्रोसेस है। तो यदि आप एक एम पी ऑनलाइन और एक सी एस सी यूजर हैं और आप लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाते हैं तो आप सभी को हम बता दें, लर्निंग लाइसेंस अब आप अपनी दुकान से स्वयं अपने ग्राहक का बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई लर्निंग लाइसेंस बनवाने आता है तो आप अपने उस ग्राहक को कभी भी मना नहीं करिए। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको लर्निंग लाइसेंस किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो हम स्टार्ट करें उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लर्निंग लाइसेंस आप किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको गूगल खोलना है, गूगल पे सर्च करना है ई सारथी। हम ये ई सारथी खोलेंगे। जैसे ही हम ई सारथी खोलेंगे तो ये पहला पेज आएगा, इस पे हमको पहले ही लिंक पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा आपके ग्राहक का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आप उसका लर्निंग लाइसेंस बना पाएंगे। अगर उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप उसका लर्निंग लाइसेंस नहीं बना पाएंगे। इसके बाद हमें ये पहले लिंक में आना है, ड्राइवर ऑब्लिक लर्नर लाइसेंस। हम इस पर मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मोर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। यहाँ पे हम जिस भी स्टेट के हों हमें वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम एमपी के हैं तो हम यहाँ मध्य प्रदेश कर लेंगे। इसी तरह से आपके ग्राहक के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस डाला हो आप उसी एड्रेस को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसी आरटीओ से आपके ग्राहक का जो फाइनल पक्का लाइसेंस बनता है वो बनेगा। तो ध्यान रखिएगा एड्रेस आपको आधार कार्ड वाला ही डालना है। तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सी सर्विसेज आजकल ऑनलाइन ही होने लगी है आरटीओ की। तो इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें ये पहले ऑप्शन है इस पर ही टिक रहने देना है। यहाँ पे हम जनरल है तो जनरल पे ही रहने देंगे और हम इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन और एक मिलेगा सबमिट विद बाय आधार ऑथेंटिकेशन। यदि आप सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन जाएंगे तो आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा तब जाके आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। और यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन जाएंगे तो आपके दुकान से ही आप अपने ग्राहक को लाइसेंस दे पाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है तो हम चलिए आधार नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओटीपी क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल में एक ओटीपी आएगी। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जो ओटीपी आ चुकी है हम यहाँ पे अपनी ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद हमें ये तीनों ऑप्शन में टिक करना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। इसके बाद हम ऑथेंटिकेट करेंगे। जैसे ही हम ऑथेंटिकेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल आएगी। तो जिसका भी हमें लर्निंग लाइसेंस बनाना है उसकी पूरी यहाँ पे डिटेल आएगी और इसके बाद हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ अपना आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा जबलपुर है तो हम यहाँ पे जबलपुर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ये जो डिटेल है, इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो हम अपना डाल देते हैं। तो चलिए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देते हैं। इसके बाद हम अपना ब्लड ग्रुप डाल देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपको पता हो तो डाल सकते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम अपना रजिस्टर्ड नंबर डाल देंगे, जो भी हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर है। इसके बाद हम यहाँ पहचान चिन्ह, यदि आपको पहचान चिन्ह की जानकारी हो तो ठीक है, नहीं है जानकारी तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम शहरी क्षेत्र से हैं तो हम टाउन डाल के
और अपना हम ये सिलेक्ट कर देंगे। हमारा एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्यूरेशन आपको यदि डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे यदि हमें स्कूटी वगैरह का लाइसेंस बनाना है तो हम मोटरसाइकिल विदाउट गियर में क्लिक करेंगे, और हमें 2+4 का लाइसेंस बनाना है तो मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल। आपको जो भी लाइसेंस बनाना हो जिस भी व्हीकल का, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस एरो पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो चलिए हमको 2+4 का बनाना है तो हम लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेल्फ डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे। इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं। हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन नो करना है, सेकंड यस करना है, और उसके बाद हमें जितने भी ऑप्शन है वो सभी पर नो पे सिलेक्ट करके सब है तो ये चेकबॉक्स पे क्लिक करके और इसके बाद सबमिट करना है, और इसके बाद हमें यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद यही में विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन, यदि आप अपने ऑर्गन को एक्सीडेंटल डेथ में डोनेट करना चाहें तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। चलिए हम इसको यस कर देते हैं और इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब हमसे 2 बार ऑप्शन पूछेगा, दोनों बार हमको ओके करना है, फिर ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमें ये नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इस नंबर को हमें अलग से पहले ही नोट कर लेना है, कई बार सर्वर प्रॉब्लम दे देता है इसलिए इस नंबर को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी डिटेल आ चुकी है, आप देख सकते हैं आधार कार्ड से जो डिटेल ली है उसको उसने कंप्लीटेड बोल दिया। इसके बाद हमें एक फ़ीस की पेमेंट करना है, तो ये फ़ीस की पेमेंट करने के बाद यहाँ से हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं, और इसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आई एग्री करेंगे और फिर प्रोसीड पर पेमेंट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जो भी हमारी पेमेंट है वो हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट अब हमारी सीएससी से भी होने लगी है, तो यदि आपको सीएससी से पेमेंट करना है तो आप वॉलेट पे जाके यहाँ पे सीएससी सेलेक्ट करेंगे, और सीएससी पे सेलेक्ट करने के बाद अपना सीएससी का आईडी डाल के सीएससी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब लर्निंग लाइसेंस की पेमेंट सीएससी से भी ऑप्शन चालू हो गया। पेमेंट जैसे ही आप करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हमको वापस से अपने इसी पेज पर आना है। इस पेज में जाके हम मोर पे क्लिक करेंगे, और मोर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दे रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे हमें ये इस पेज पे ले आएगा, तो हमें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो ग्राहक के मोबाइल में जो पासवर्ड जाएगा वो पासवर्ड डाल के हमें टेस्ट देना है। और जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपका लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। और हम बता देते हैं टेस्ट पास करने में आपको 20 में से 12 नंबर पासिंग होते हैं, और यदि आपको टेस्ट पास करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर के लिए एक ग्रुप अलग से बना दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में क्लिक करके हमारे यूट्यूब ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो MP ऑनलाइन CSC मित्र हमसे जुड़े हुए हैं और अगर वो लर्निंग लाइसेंस का काम नहीं करते हैं तो आज ही आप लर्निंग लाइसेंस का काम अपने एरिया में चालू कर दीजिए, हमारे द्वारा टेस्ट पास करने में आपकी पूरी सहायता दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप लर्निंग लाइसेंस भी अपने ग्राहक का बना सकते हैं। और पक्का लाइसेंस आपको बनवाना है तो उसके लिए RTO विजिट ही करना पड़ेगा ग्राहक को, तो वो आप नहीं बना पाएंगे, वो प्रोसेस अभी ऑनलाइन चालू नहीं हुई है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी, और किसी प्रकार की भी आपको सहायता चाहिए हो तो हम हमेशा उपलब्ध हैं। आप हमसे सीधे व्हाट्सएप पे संपर्क करके हमसे जो भी परेशानी हो उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप सभी से अब उम्मीद करते हैं कि यदि आप लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम नहीं करते होंगे तो आज से ही चालू कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं,
जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर से। धन्यवाद।